हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हमारा जो सब्जेक्ट सीएसपीए है, उसका यूनिट 4 का ही लेक्चर 5 हम देखेंगे, स्टडी स्टेट एरर। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वो लेक्चर लास्ट था, लेकिन यूनिट 4 के कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक्स रहते हैं, बोडे प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट और स्टडी स्टेट एरर। हम इनको देखने के बाद इस यूनिट को ख़त्म करेंगे। यूनिट फाइव में भी हो सकता था, लेकिन मैं इसी में इसको कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिट 4 का ही हमारा लेक्चर 5 है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए, आज हम बात करेंगे स्टडी स्टेट एरर के बारे में। स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, मैंने आपको बताया है। कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, कंट्रोल सिस्टम वो होता है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम में हम इनपुट डालते हैं और हम एक आउटपुट देते हैं। क्या देते हैं? आउटपुट देते हैं। और अगर ये क्लोज लूप सिस्टम है, तो ये आपका फीडबैक पाथ होता है। और इस फीडबैक पाथ में या तो एक एलिमेंट हो सकता है जिसको हम फीडबैक एलिमेंट कहते हैं, या फिर कोई नहीं हो सकता है। अगर फीडबैक है, कोई एलिमेंट है, तो उसको नॉन यूनिटी बोलते हैं। और फीडबैक नहीं है, कोई एलिमेंट या मौजूद नहीं है, तो उसको यूनिटी फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी स्टार्टिंग थी। आपको लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस स्टडी स्टेट एरर होता क्या है, देखिए मैंने बताया आपको, इनपुट और आउटपुट के बीच का, जब देखिए सिस्टम हमारा, मैंने आपको बता रखा है, सिस्टम हमारा देखिए, इतना जो पोर्शन होता है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। इसके बाद का जो पोर्शन होता है ये स्टडी स्टेट होता है, जब सिस्टम हमारा स्टेबल हो जाता है, एकदम स्टेबल हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्टडी स्टेट। और इस पोर्शन को कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो जब हमारा सिस्टम स्टडी स्टेट में पहुँच गया, तब हमारे सिस्टम का जो है, जब हमारे सिस्टम का इनपुट और आउटपुट, आउटपुट का इनपुट के साथ डिफरेंस, ये आउटपुट होगा, कंट्रोल्ड है, और ये इनपुट है। आउटपुट का इनपुट के साथ जो जो डिफरेंस है, आउटपुट माइनस इनपुट, मतलब जो डिफरेंस है, उसी को हम कहते हैं एरर। उसी को क्या कहते हैं? स्टडी स्टेट एरर। स्टडी स्टेट क्यों बोला? स्टडी स्टेट इसलिए बोला कि जब स्टडी स्टेट में आपका आउटपुट पहुँच गया, तब हम उस एरर की बात कर रहे हैं, इसलिए वो स्टडी स्टेट एरर है। तो डेफिनेशन हम इसकी पढ़ सकते हैं कि स्टडी स्टेट एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ सिस्टम इन द लिमिट एज टाइम गोज टू इनफाइनाइट। टाइम गोज टू इनफाइनाइट का मतलब है कि जब रिस्पॉन्स, व्हेन द रिस्पॉन्स हैज रीच द स्टडी स्टेट, ठीक है। देखिए, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी फिजिकल कंट्रोल सिस्टम हो, वो उसमें हमेशा स्टडी स्टेट एरर होगा ही होगा। क्यों होगा? देखिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वर्ल्ड के अंदर, हमारे यूनिवर्स में कोई सिस्टम नहीं जिसमें एरर ना हो, क्योंकि अगर एरर नहीं होगा तो वो आइडियल सिस्टम कहलाएगा, और आइडियल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली आइडियल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक और बात, स्टडी स्टेट एरर में इनपुट का बहुत यूज़ है। इनपुट आप अगर स्टेप इनपुट दे रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स, उसका जो एरर है वो कुछ और हो सकता है। अगर आप रैंप इनपुट दे रहे हैं, तो उसका जो जो एरर है वो कुछ और हो सकता है। आप अगर डेल्टा दे रहे हैं, डेल्टा टी मतलब इम्पल्स फंक्शन दे रहे हैं, तो उसका कुछ और हो सकता है। पैराबोलिक फंक्शन दे रहे हैं, तो उसका एरर कुछ और हो सकता है। तो इनपुट पर डिपेंड करता है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, जब हमारा सिस्टम स्टडी स्टेट पर पहुँच जाता है तब एरर को हम स्टडी स्टेट एरर कहते हैं। दूसरी बात ये है कि इनपुट पर डिपेंड करता है, हमारा स्टडी स्टेट एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताए, देखिए कि कंट्रोल इनपुट कौन कौन से होते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो ये सब वही बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, एक और बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने स्टेप इनपुट दिया, ये तीसरा जो पॉइंट है समझा देता हूँ, कभी कभी आपने स्टेप इनपुट दिया और कोई स्टडी स्टेट एरर नहीं आया, लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं कि स्टडी स्टेट एरर और किसी इनपुट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपने पैराबोलिक दे दिया, यूनिट रैंप दे दिया, तो एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये भी आप, मतलब जो स्टडी स्टेट एरर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आपके इनपुट के है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पोल्स क्या, पोल्स बताए थे हमने, और टाइप ऑफ द सिस्टम के ऑर्डर अब तक जान चुके हैं। ऑर्डर क्या होता है, जैसे कोई इक्वेशन लिखी 1/s² + s + 1, इसमें हाईएस्ट पावर
एस की क्या है, टू है, तो ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। ऐसे टाइप क्या होता है, टाइप की सिस्टम का जानना है, तो उसमें जो डिनोमिनेटर में नीच का हर्ब जिसे बोलते हैं, हर में जो एस की पावर, जो यूनिट एस का होता है इंडिपेंडेंट, मतलब ये जो एस का जो ये होगा पावर होगी, ये पोल्स ऑन द ओरिजिन होते हैं, तो इसकी जो पावर होती है वो सिस्टम, वो उसका टाइप होता है। अगर एन की वैल्यू जीरो है तो जीरो टाइप जीरो है, वन है तो टाइप वन है, ठीक है, इसको हम टाइप कहते हैं। ठीक है, ये हमने क्लासिफिकेशन है, कोई नीड नहीं है इसकी। देखिए, स्टडी स्टेट एरर ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको पीछे भी बताया है कि दो तरीके के फीडबैक होते हैं, एक होता है यूनिटी फीडबैक, ये दिख रहा है यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, अगर मैं यहाँ पर एक एच एस लगा दूँ, एक एलिमेंट लगा दूँ, तो ये नॉन यूनिटी फीडबैक हो जाएगा, या कुछ और लगा दूँ तो यूनिटी फीडबैक, नॉन यूनिटी फीडबैक होगा। आपके कोर्स में आपको यूनिटी फीडबैक पढ़ना है, हायर क्लासेस में हम बीटेक एमटेक में हम क्या पढ़ते हैं, हम नॉन यूनिटी फीडबैक भी पढ़ते हैं, तो आपको यूनिटी फीडबैक पढ़ना है। देखिए, इस ये है क्लोज सिस्टम, में बार बार बता रहा हूँ आपको, ये स्टैंडर्ड क्लोज लूप सिस्टम है यूनिटी फीडबैक का। इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन, वो ये है जी एच वन अपॉन जी एच एस एस। वैसे होता क्या है, स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो जी एच एच एस अपॉन वन प्लस जी एच एच एस होता है क्लोज लूप सिस्टम का। लेकिन यहाँ पे एच एस की वैल्यू कितनी है, एच एस की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे सब जगह एच एस कितना हो गया है, वन हो गया है। ठीक है, तो हमारा यह ट्रांसफ़र फंक्शन दे रखा है, इम्पोर्टेंट क्या है वो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने एक चीज़ देखी, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र फंक्शन आ रहा है सी एस, अगर हम यहाँ पर देखें इसको, कहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम एरर सिग्नल निकालें, ये वाला ई एस अगर हम निकालें, कैलकुलेट करें, सी एस कैलकुलेट नहीं, अब हम ई एस और आर एस अगर कैलकुलेट करें, तो हम देखेंगे ई एस और आर एस की वैल्यू, ये बराबर, यहाँ बराबर का निशान है, इक्वल्स टू ई एस अपॉन आर एस जो आएगा वो वन अपॉन वन प्लस जी एस आता है। ठीक है, अगर हम इस आर एस को, अगर आर एस, आर एस क्या है, आर एस इनपुट है, अगर हम यूनिट स्टेप दें इसमें, यूनिट स्टेप मतलब यू टी, यू है, यू टी का, यू टी एक यूनिट स्टेप है, इसका लाप्लास क्या होता है, वन अपॉन एस। तो हमने क्या दिया, हमने यहाँ पर एक आर एस को यूनिट स्टेप दे रहे हैं, और यूनिट स्टेप का ही हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने आर एस लिख दिया, चलिए हम आर एस यूनिट स्टेप नहीं रख रहे, आर एस को आर एस ही रहने देते हैं, इनपुट को इनपुट ही रहने देते हैं, बाद में देखेंगे कि हम चेंज करेंगे। तो आर ए, ये हो गया हमारा एरर सिग्नल। उसके बाद अगर हम स्टडी स्टेट एरर देखें, तो स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, अगर आपको थ्योरम्स पता हो, आपने प्रीवियस अगर लेक्चर किया है, उसमें मैंने फाइनल वैल्यू थ्योरम और क्या बताई थी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या बताती है, इनफाइनाइट किसी वैल्यू, किसी चीज़ का इनफाइनाइट वैल्यू बताती है, तो ई इनफाइनाइट हमें निकालना है, तो ई टी, जो ई टी है हमारा एरर सिग्नल, उसको कहाँ तक लिमिट रख दें, टी टेंस टू जी इनफाइनाइट तक रख दें, और ई टी का लाप्लास कितना है, ई टी का लाप्लास सिंपल, जो हम अगर थ्योरम्स लगाएं, कौन सी फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर हम लगाएं, तो हमारा क्या होगा, लिमिट की पावर एस टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, एस ई एस, एस ई एस, और ई एस की वैल्यू कितनी है, ई एस की वैल्यू वन अपॉन जी एस है, वन अपॉन जी एस, और ये आर एस आ गया, ई एस की वैल्यू यहाँ से आई ना। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या, कि अगर आपको स्टडी स्टेट एरर निकालना है, तो सिंपली ऐसे आप निकाल सकते हैं ये वैल्यू पुट करके। ठीक है, ये अब देखिए एरर कांस्टेंट आते हैं, अब आपने ये तो निकाल लिया, अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे एरर कांस्टेंट मिलेंगे। एरर कांस्टेंट का क्या मतलब है, एरर कांस्टेंट का ये मतलब है कि कोई सिस्टम आपने कोई इनपुट दिया, कोई आपने इनपुट दिया, और उस पे किसी इनपुट का एरर क्या निकल रहा है, जैसे हाईएस्ट अगर कांस्टेंट है, जैसे कोई वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब किसी का वेट ज़्यादा है, तो उसका वेट ज़्यादा आएगा, वेट ज़्यादा का मतलब मास उसमें ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट बताते हैं, स्टडी कांस्टेंट बताते हैं कि हमारा स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू कितनी है, ज़्यादा है कम है, और वो कई टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आउटपुट हो सकता है वो पोजिशन के फॉर्म में हो सकता है, वेलोसिटी के फॉर्म में हो सकता है, टेम्परेचर के फॉर्म में हो सकता है। तो ये स्टडी स्टेट एरर की कांस्टेंट क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि हमारा जो एरर है वो कैसा है। ठीक है, ये देखिए, अब हम बात करेंगे स्टैटिक पोजिशन एरर कांस्टेंट के बारे में। स्टैटिक एरर कांस्टेंट क्या होता है, देखिए अभी हमने पढ़ रखा है कि
स्टडी स्टेट एरर कांस्टेंट आरएस यूनिट स्टेप के लिए डिज़ाइन होता है। आरएस क्या होगा, वन अपॉन एस, यूनिट स्टेप का क्या होता है लाप्लास, वन अपॉन एस। तो हमारा जो हमारा फॉर्मूला था पीछे आपने देखा होगा, जो हमारा ये फॉर्मूला था इसमें आरएस की वैल्यू कितनी होगी, वन अपॉन एस। तो हमने यहाँ पर वन अपॉन एस पुट कर दिया, देखिए वन अपॉन एस से एस चला गया, तो हमारा क्या बचा, वन अपॉन जी एस बचा, और लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो रख दिया। तो हमारा जो ये जी ज़ीरो है यही हमारा क्या कहलाता है, जी एस की वैल्यू को लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो रख देंगे, तो इसी को हम कहते हैं स्टडी स्टैटिक पोजिशन एरर कॉन्स्टेंट के पी। क्या कहते हैं, के पी। जी एस की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको के पी मिल जाएगा, ठीक है। और स्टडी स्टेट एरर रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू को उठा के, यहाँ जी जीरो की वैल्यू क्या है, के पी, तो यहाँ पे हम स्टडी स्टेट एरर वन अपॉन वन प्लस के पी निकालते हैं। और के पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो ये स्टेप इनपुट के लिए था। अब देखिए टाइप ज़ीरो, ये हम स्टैटिक पोजिशन एरर कॉन्स्टेंट यूज़ कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर अभी आर एस जो है यूनिट स्टेप रखा, ठीक है। अब हम टाइप ज़ीरो, टाइप ज़ीरो का मतलब देखिए यहाँ पे एस की पावर ज़ीरो है, ये न्यूमरेटर में एस की पावर ज़ीरो है, तो टाइप ज़ीरो सिस्टम है। यहाँ पे एस की पावर वन होगी तो ये टाइप वन होगा, टू होगी तो टाइप टू होगा, ठीक है। अगर हम बात करें के पी के बारे में, तो टाइप ज़ीरो के लिए तो के पी की वैल्यू के होती है, और अगर फर्दर आगे जाएंगे आप तो के पी की वैल्यू टाइप ज़ीरो के लिए जो स्टैटिक पोजिशन एरर कॉन्स्टेंट है वो के होता है, और बाकी के लिए जो होता है वो क्या होता है, वो ज़ीरो ही होता है, ठीक है। टाइप वन के लिए, क्योंकि आप नीचे वन अपॉन ज़ीरो रखेंगे, वन अपॉन एस की पावर एस आएगा, वन अपॉन एस आएगा, और उसमें अगर ज़ीरो रखेंगे तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझा दूंगा। अब हम बात करेंगे स्टैटिक वेलोसिटी एरर कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम है। अब यूनिट रैम के लिए हम निकालेंगे ये, तो यूनिट रैम का लाप्लास क्या होता है, वन अपॉन एस स्क्वायर, यहाँ पुट कर दिया तो के वी वैल्यू आती है, के वी की वैल्यू क्या होती है, एस जी एस होती है। और एरर कांस्टेंट कितना होगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एरर कांस्टेंट जो होगा आपका वन अपॉन के वी होगा, ठीक है। ऐसे ही हम अब टाइप ज़ीरो के लिए देख लेते हैं, टाइप वन के लिए, टाइप टू के लिए। अभी इक्वेशन यहाँ पर वैल्यू रखनी है आपको, ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे ज़ीरो आएगा, यहाँ ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे के आएगा, यहाँ पर कोई वैल्यू ज़ीरो एस बराबर ज़ीरो रखेंगे तो इन्फाइनाइट आएगा, ठीक है। तो किस स्टैटिक वेलोसिटी एरर कॉन्स्टेंट किसके लिए डिफाइन होता है, सिर्फ टाइप वन के लिए। अभी एक टेबल के थ्रू मैं समझा दूंगा। और ये है रैम्प इनपुट के लिए, देखिए रैम्प इनपुट के लिए टाइप वन एग्जिस्ट करता है बस, ठीक है, एरर कॉन्स्टेंट। और टाइप टू और टाइप ज़ीरो के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, एक के लिए ज़ीरो होता है, एक के लिए इन्फाइनाइट होता है। स्टैटिक एक्सीलरेशन एरर कॉन्स्टेंट, जब पैराबोलिक हम सिस्टम सिग्नल देते हैं तो पैराबोलिक सिग्नल का क्या होता है, लाप्लास वन अपॉन एस क्यू, तो हमारा के ए निकल के आ गया, के ए क्या है, लिमिट एस स्क्वायर जी एस, और ये इसको उठा के इसकी जगह क्या रखेंगे हम, वन अपॉन के ए, वन अपॉन के ए, तो यहाँ उठा के रख दिया, ये आ गया। इसके लिए टाइप ज़ीरो, टाइप टू, ये सिर्फ टाइप टू के लिए एग्जिस्ट करता है, बाकी के लिए ज़ीरो और इन्फाइनाइट होता है। आप एस की वैल्यू यहाँ पुट करके रख दीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं टेबल के थ्रू ये देखिए, ये वैल्यू है सिर्फ टाइप टू के लिए। मैं ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है स्टार मार्क, ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है सब भूल जाइए, लेकिन आप ये टेबल मत भूलिए। टाइप ये एरर कांस्टेंट के बारे में है कि एरर कांस्टेंट कितना होगा। टाइप जी आपको सिस्टम पता करना है कि पहले आप टाइप पता कर लीजिए, कोई जैसे वन अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन लिखा हुआ है तो ये कितना है, टाइप टू सिस्टम है, क्योंकि इसमें एस की पावर कितनी है, टू है, ठीक है। तो आप सिंपल देखेंगे कि उसके लिए स्टेप इनपुट के लिए कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, रैंप इनपुट के लिए, उसके लिए एक्सीलरेशन सिर्फ पैराबोलिक इनपुट के लिए टाइप टू सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वन अपॉन वन प्लस के होता है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट औरों के लिए, फिर ज़ीरो टाइप वन के लिए, ठीक है, वन अपॉन के इनफाइनाइट ज़ीरो ज़ीरो, मतलब ये वाला पोर्शन अगर आप याद रखते हैं इतना कि एरर कॉन्स्टेंट टाइप ज़ीरो के लिए स्टेप इनपुट के लिए एग्जिस्ट करता है, टाइप वन के लिए रैंप के लिए, टाइप टू के लिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट इनपुट के लिए, ठीक है। बाकी आपको ये वाला सिस्टम ज़ीरो रख लीजिएगा, ये वाला इनफाइनाइट होता है। आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूँगा, बहुत ईजी है। देखिए ये एक जी एस दे रखा है, ये जी एस दे रखा है ना, ये कौन सा ऑर्डर सिस्टम, ये कौन सा टाइप ज़ीरो, ये टाइप टू
ये टाइप टू सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? टाइप टू, क्योंकि एस की पावर टू है। तो टाइप टू के लिए आप में और यहाँ पे इनपुट देखेंगे, यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, स्टेप रैंप और पैराबोलिक सारे इनपुट लगाइए। तो मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा इसमें कि जो इनपुट एग्जिस्ट करेगा वो टाइप टू के लिए एग्जिस्ट करेगा, बाकी के लिए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर टाइप ज़ीरो सिस्टम होता तो इनफाइनाइट होता, सॉरी स्टेप इनपुट के लिए, स्टेप अगर इनपुट दूंगा तो ये पहले तो ये देखिए कौन सा ये टाइप है, ये टाइप टू है। तो टाइप टू का मतलब ये है, तो टाइप टू का मतलब ये है। तो स्टेप इनपुट के लिए एरर कांस्टेंट कितना होगा? जीरो होगा। रैम के लिए एरर कांस्टेंट कितना, एरर स्टेडी स्टेट एरर कितना होगा? जीरो होगा। और एसलेशन कांस्टेंट के लिए 1/k किया होगा, बस ये ऐसे देखना है। अब देखिए यहाँ पे के पी की वैल्यू इन्फानाइट आ रही है, के वी की वैल्यू इन्फानाइट आ रही है, के ए की वैल्यू 10.4 आ रही है, इसीलिए सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगा एसलेशन कांस्टेंट, बाकी दोनों जीरो हैं। ठीक है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा, आपको ईजी लगेंगे। एक और क्वेश्चन है हमारा, ये कौन सा सिस्टम है? टाइप टू सिस्टम है, क्योंकि एस स्क्वायर टू है। इसमें के पी की वैल्यू निकाली, के वी की वैल्यू निकाली और के की वैल्यू निकाली। आपके जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैं ये आप खुद क्वेश्चन करिएगा, ये आपका होमवर्क है, नहीं समझ में मुझसे पूछ सकते। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगी, स्टार मार्क जो आपके उसमें। ये सिर्फ आज का जो फंडा है आज के लेक्चर का और निचोड़ बस यही है कि ये टेबल है, जो भी है इस टेबल में एरर कांस्टेंट के बारे में दे रखा है, एरर स्टडी स्टेट एरर के बारे में दे रखा है कि स्टडी स्टेट एरर कितना होता है, स्टडी स्टेट एरर कितना नहीं होता है। ठीक है, तो ये टेबल ज़रूर याद करिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन मेल मी एट द जितेंद्र सिंह @gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।